उस टाइम पे नहीं होगा फिर आप प्रॉब्लम होगी। हमने शुरुआत करी थी कि पोटेंशियल एनर्जी का ओरिजिन कहाँ से होता है, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ही क्यों करती है। हमने बोला था पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इंटरेक्शन एनर्जी है। अगर हमारी बॉडीज के बीच में आपस में इंटरेक्शन है और वो इंटरेक्शन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से है, तो दो बॉडीज के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। ये हमने डिस्कस करी। फिर हमने बात करी थी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते क्या है, कि पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं और जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। और हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे कंजर्वेटिव फोर्सेस के जो कि स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। एंड देन हमने नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करी थी, और पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, सॉरी पाथ डिपेंडेंट होते हैं और वर्क डन जो इनिशियल और फाइनल पोजिशन के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। यहाँ पे शायद प्लस के पाथ नहीं लिखा, ठीक है, प्लस पाथ डिपेंड। फिर मैंने बोला था कि फ्रिक्शन और टेंशन इन द स्ट्रिंग इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और फिर हमने एक छोटे से डेरिवेशन भी करी थी पाथ इंडिपेंडेंट फॉर कंजर्वेटिव, और ये थी हमारी नॉन कंजर्वेटिव। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करा कि एक सिस्टम ऑफ बॉडीज के लिए एग्जिस्ट करती है और ये पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज। फिर हमने स्प्रिंग फोर्सेस की बात करी कि फिर हमने एक प्रॉपर्टी की बात करी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ट्राई करेगी सिस्टम को मिनिमम पोजीशन ऑफ एनर्जी में लेके जाने की, मतलब मिनिमम पोजीशन में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन में ले जाने का ट्राई करेगा कंजर्वेटिव फोर्स की टेंडेंसी रहेगी कि वो सिस्टम को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन में लेके जाए। उसके लिए हमने एक स्प्रिंग फोर्स का एग्जांपल डील किया था, जब हमने स्प्रिंग को खींचा, और एक स्प्रिंग को जब हमने कॉम्प्लेक्स किया ये वाला एग्जांपल डील करा, और एक डाइपोल का एग्जांपल डील करा। फिर मैंने बोला था कि जो डेल्टा यू है और वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या बनेगा, माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय एजेंट कितना बनेगा, डेल्टा यू। और ये हमने प्रूफ भी करा था लास्ट। तो वर्क डन बाय एजेंट क्या बनेगा, डेल्टा यू व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। ये तो हम पढ़ चुके थे, ये भी हमने पढ़ना बाकी था क्योंकि क्लास का टाइम हो गया। फिर हमने बोला कि कंजर्वेटिव फोर्स के साथ साथ अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो आपका एडिशनल एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है, तो अगर दोनों आपस में पैरेलल है कि फोर्स ऑफ एजेंट इज पैरेलल टू कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये आपस में सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, और अगर ये एंटी पार्लर है तो अपोज करेंगे। ये भी हमने जस्ट पढ़ा है, अभी हम इसको यूटिलाइज करेंगे विद द रेसिस्टेंस टाइम। फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करी कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है, वो चार्जेस कैसे भी हो सकते हैं, तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगी, तो इंटरेक्शन कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव होने की वजह से उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट। फिर हमने बोला कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, इनके बीच में कितनी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगी, ये हमने डिराइव करा था। और हमने ये बोला था कि आने वाले टॉपिक्स में हम ये भी डील करेंगे कि हमारे पास अगर एक पॉइंट चार्ज है और बाकी एक रिंग है, एक रोड है, एक स्फेयर स्फेरिकल बोल है, अगर ऐसा एक्सटेंडेड चार्ज, इनको बोलते हैं एक्सटेंडेड चार्ज, अगर एक्सटेंडेड चार्ज और एक पॉइंट चार्ज है तो इनकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फिर हमने डेरिवेशन करी थी जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए पेयर ऑफ टू चार्जेस, कि अगर लेट से हमारे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो उनकी वजह से कितनी पोटेंशियल। हमने जो डेरिवेशन की थी, हमने मान के चला था कि शुरू में चार्जेस हमारे पॉजिटिव है दोनों, और फिर हमने जो रिजल्ट आया था उसको जनरलाइज कर दिया था, चाहे हमारे दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमने जनरल दे दिया। हमने जनरलाइज रिजल्ट दिया। फिर हमने बात करी थी कि जो वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो स्केलर हो सकता है। और हमने जो शुरू में बात करी थी डेल्टा यू इज इक्वल टू
वर्क डन बाय वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा यू, ये हमने प्रूफ भी किया। ठीक है, अब प्रूफ करना रहता है कि वर्क डन फ्रॉम इनिशियल से फाइनल पोजीशन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो डेल्टा यू किसके बराबर है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कंडीशन क्या है, स्टार मार्क कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब इसको प्रूफ करते हैं नेक्स्ट चीज, छोटा सा एक 2 मिनट का प्रूफ है, वो हम प्रूफ करते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो लेट से हमारे पास दो चार्जेस थे, वही सेम काम कर रहे हैं, एक चार्ज था हमारा Q1, इसको हमने फिक्स्ड बोला था, या हम इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके r डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q2 और ये मूवेबल है, ये मूव कर सकते। कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि ये जो Q2 चार्ज था ये आपका मूव करेगा इस पोजीशन से लेके इन्फिनिटी तक, ऐसे मूव करता है, पर हमने एक रेस्ट्रिक्शन पुट कर दी थी, ये जो चार्ज है ना विदाउट एक्सेलरेशन मूव करेगा, विदाउट एक्सेलरेशन। अगर इस पॉइंट पे इस चार्ज की स्पीड जो भी थी, हो सकता है चार्ज रेस्ट में था, तो इतनी स्लो 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 इंफिनिटी पे जाएगा कि इंफिनिटी पे जाके भी रेस्ट पे रहे, इतनी स्लो स्लो जाके ये इंफिनिटी पे जाके भी रेस्ट पे। अगर यहाँ पे इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड की है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसको इधर धक्का मार दिया, आप साथ में एक एडिशनल अपना खुद का फोर्स लगा दो, दैट इज एफएक्स एजेंट, ये वाला फोर्स जस्ट काउंटर बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ताकि जस्ट काउंटर बैलेंस कर रहा है ताकि इस Q2 चार्ज की एक्सेलरेशन ना आए और इसकी स्पीड भी में कोई चेंज नहीं। ये जो FA है इज जस्ट काउंटर बैलेंस, काउंटर बैलेंसिंग FA सो दैट काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो। ठीक है, अभी हमने 11th क्लास में थ्योरम पढ़ी है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, इस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, इसका मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज ऑल्सो जीरो, पर हमारे में यहाँ ऑल फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस हैं, दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, सेकंड इज एजेंट का फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो एजेंट का फोर्स है। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन बाय एजेंट क्या बनेगा, वर्क डन बाय एजेंट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल से फाइनल तक ले जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन माइनस ऑफ डेल्टा, तो यहां पे एक माइनस पहले से प्रेजेंट है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितने माइनस डेल्टा है, तो वर्क डन बाय एजेंट कितने मिल जाएगा डेल्टा यू, दैट इज इक्वल टू यू फाइनल। पर इस केस में कंडीशन हमने ली थी कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो ये स्टार।
तभी ये वैलिडिटी। अभी बताओ, अभी आज की क्लास में जितना करा है वो समझ में आया नहीं? आगे तो समझ करो, आगे बैठो। नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2। रवीन, आपको नहीं समझ में आया? आ गया सर। इनके बीच का डिस्टेंस r, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी K Q1 Q2 by r, और इसमें Q1 और Q2 को आपको एलोगेरिथमिक साइन पुट करना, साइन के साथ। अगर हमारे पास एक से दो से ज्यादा चार्जेस हैं, ये तो दो चार्जेस हैं, दो से ज्यादा चार्जेस हैं, जैसे एक Q1 है, एक Q2, एक Q3, इसमें आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? अब जो मैं फॉर्मूला आपको करा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में या कुछ बुक्स में थोड़ा सा डिराइव कर रखा होता है कि हम इंफिनिटी से एक चार्ज को लाएंगे, फिर दूसरे चार्ज को लाएंगे, तो अपने को इतना सब डीप में नहीं जाना, अपने को जितना हमारे काम का वो समझना। हाँ, क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी है, सबसे पहले इनके पेयर्स बना लो, ये इससे इंटरेक्ट कर सकता है, ये इससे इंटरेक्ट कर सकता है, तो एक पेयर हो गया 1 और 2 का, एक पेयर हो गया 1 और 3। अब 1 को भूल जाओ, 1 को भूल जाओ, खत्म करो। अब 2 पे आ जाओ, अब 2 के पास किसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए होता है? 2 और 3 इंटरेक्ट करेंगे, कोई और चार्ज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अब 3 को भूल जाओ, सॉरी 2 को भूल जाओ, अब 3 को देखो। अब 1 को तो भूल चुके, 2 को भूल चुके, अब 3 अकेला है, अकेला तो किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट्स से ये डिस्टेंस है R12, लेट्स से ये डिस्टेंस है R13, लेट्स से ये डिस्टेंस है R23, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी सिस्टम की? वो तो बनेगी K Q1 Q2 डिवाइड बाय R3 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाय R2। सिंपली आपको क्या करना है, अगर बहुत सारे चार्जेस गिवन है, एक से दो से ज्यादा, तो आपको पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है, नंबरिंग 1 2 3 4 जितने बच गए। अब 1 को पकड़ो, 1 को पकड़ो, 1 के सबके साथ पेयर बन जाए, यहाँ एक पेयर बना दिया, यहाँ पे एक पेयर, दो पेयर बना। अब 1 को भूल जाओ कि 1 है भी है। अब देखो 2 है, 2 पे आओ, 2 किसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं? 2 3 के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर 2 3 के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो 2 और 3 का एक पेयर बन जाएगा। अब और कोई चार्ज नहीं है, तो 2 को भूल जाओ। अब 1 को भूल चुके हैं, 2 को भूल चुके हैं, 3 अकेला है, अकेला तो किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी? 3 बनेगी, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म। ऐसे ही आपके अगर एन चार्जेस हैं, एक चार्ज 1 हो गया, एक चार्ज 2, एक चार्ज 3, एक चार्ज 4, ऐसे एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो टोटल एनर्जी टर्म्स कितनी बनेगी? एनर्जी टर्म्स बनेगी n into 10 - 2। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। ऐसे एन हमारा 2 है, एन की वैल्यू 2 पुट करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 इज इक्वल टू, मतलब एक एनर्जी टर्म बनेगा, जो कि ऑब्वियस है, एक चार्ज Q1 भी है, एक चार्ज Q2 भी है, इनकी एक ही एनर्जी टर्म है, K Q1 Q2। समझ जाती, अगर मेरे पास 3 चार्जेस हैं, एक दो तीन, Q1 Q2 Q3, इसकी टोटल नंबर का एनर्जी टर्म्स कितने बनेगी? फॉर्मूला होता है n into n, तो 3 into 3 2 3 - 1 बेसिकली 2 डिवाइड बाय 2, उसे 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3। और ऑब्वियस भी है, हमने आंसर 3 निकाला है, एक एनर्जी टर्म, दो एनर्जी टर्म और तीसरी। तो अगर आपके पास एन चार्जेस है, अगर हमारे पास एन चार्जेस है, तो नंबर ऑफ एनर्जी टर्म्स हमारे पास बनेगी n into n। अगर अभी तक जितना समझ में आए, तो आए समझ आ गया, तो समझ सकते हो, फटाफट आगे बढ़ो।
एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, आप करोगे मैं नहीं करूंगा। टाइम दे रहा हूं मैक्सिमम 5 मिनट, 4 मिनट। टू नेगेटिव चार्जेस, आपके पास दो नेगेटिव चार्जेस हैं ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है, मैं लिखते हैं टू नेगेटिव चार्जेस। कि अगर मैं डायग्राम बना के दूंगा, क्वेश्चन में हमेशा डायग्राम नहीं गया ना, स्टेटमेंट लिखे। टू नेगेटिव चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड है क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 L, उनके बीच का डिस्टेंस है 2 L। सेकेंड इज एक थर्ड चार्ज क्यू, एक थर्ड चार्ज है जो कि उनके सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दो नेगेटिव चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड है क्यू, एक चार्ज उनके सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन इज फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फटाफट से पोटेंशियल एनर्जी निकाल। डायग्राम मैं बना ही देता हूँ, ये -2 है, बीच में एक क्यूब चार्ज। तो जैसे मैंने प्रोसेस बताया, लेट से चार्ज 1 है, चार्ज 2 है, चार्ज 3। सबसे पहले 1 को पकड़ लो, 1 का 2 के साथ पेयर बना दो, 1 का 3, अब 1 को भूल जाओ, अब 2 का 3 के साथ, ऐसे करके मुझे आंसर बताओ फटाफट। आप लोग अगर कर रहे हो क्वेश्चन तो एक बार थम्स अप कर दो। सर वो थर्ड चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव है? सर थर्ड इज पॉजिटिव, पहले दो नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड सबका सेम है तीनों का। मुझे आपकी क्लास में सिंसेरिटी नहीं दिख, तो सिंसेरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन करो फिर बताती हूँ। एक ही बच्चा आता है रेगुलर, वो क्वेश्चन भी पढ़ जाता है, थ्योरी भी पढ़ जाता है, व्हाट्सएप पे डाउट भी पूछ लेता है, बाकी पता नहीं कहाँ पढ़ गया। ओके विवेक, सर आंसर आ गया है, सर अलग आ रहा है पर थोड़ा, कितना आ रहा बताओ? सर -K Q1 Q2 upon R12 + K+K Q2 Q3 upon R13 -K Q1 Q3 - R23। R13 R23 तो गिवन है ना, उनके बीच का डिस्टेंस 2 आ रहा है, सर तो आधा कितना बनेगा? आर ये बनेगा, आर ये बनेगा, मैंने बोला ना मिडल पे रखा है। सर आंसर -3/2 K² मतलब यार क्वेश्चन सिंपल सा ऐसा है, अगर मैं क्वेश्चन को सिंपलीफाई करके दे दूंगा तो आप क्वेश्चन की हर बार तो डायग्राम नहीं गिरेगा। क्वेश्चन ये है कि एक माइनस को चार्ज है, एक माइनस को चार्ज है, इनके सेंटर पे एक क्यू चार्ज, ये डिस्टेंस है आर, ये भी डिस्टेंस है, टोटल 2 आर है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे आपसे, बताओ कितने बन गए। किसी और का आंसर आया हो? सर यस सर, -3/(-3/2 K³²)। ये सबका आ रहा है या नहीं यार? ठीक यही आ रहा है सर। है, अब मैंने क्या करा? हाँ सर बोलो। आवाज आ रही है? सर हाँ हाँ आ रही बोलो बोलो। नहीं सर, वही आंसर बता रहा था। अब मैंने क्या करा, इनको रिप्लेस कर दिया, इसको इधर ले आया और इसको इधर ले आया। अब बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी? ये तो केस 1 था, केस 2 में कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी? जाएगी इंटरचेंज करने को, इतने में फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देता हूँ जिसका नहीं।
एक का हो गया, बाकी किसी का हुआ? सर हाँ, माइनस की क्यू स्क्वायर बाय टू आर सेकंड केस पे कितना आया आपने? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय टू आर सही है, सेकंड केस का आया किसी का? वेरी सर मैंने हैंड रेस कर रखा है। नाइस विवेक, आपका भी आ गया। आपने बोला था क्या? यस ये सर आंसर किसने बोला था? सही तो सुजल बोला अदिति, आपका हुआ? अदिति, अंशिका, अंजलि, अर्षिता, सॉरी, हो यस सर। गया? तो जवाब क्यों नहीं दिया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनमें से एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर, पर अगर आपको कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन सीखनी है, उसके लिए पहले आपको एबीसीडी सीखना पड़ेगा। तो ये एबीसीडी इसलिए आप लोगों से ही करा रहा। क्वेश्चन इज, फोर्थ चार्जेस क्यू, चार चार्जेस है जिनका वैल्यू क्यू है, पॉजिटिव क्यू, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। हालांकि क्वेश्चन में डायग्राम नहीं था, मैं आपको साथ साथ डायग्राम बनाया ताकि मेरे को पूरा लिखना है। चार चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव चार्जेस है, क्यू वैल्यू है, आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ये देख लिया करो, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स बने। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, कि चार चार्जेस है, फोर इंटू थ्री बाई टू, तो सिक्स टर्म्स बनती चाहिए। एक बच्चे का हो भी क्यों? हाँ बताओ यार कितना आ रहा है? हाँ सर के क्यू स्क्वायर बाय एल एंड ब्रैकेट में 4+√2। सर एल तो मैंने बोला ही नहीं, ए बोला मैंने, मतलब ए अभी सोल्व नहीं करा, पहले से सोल्व किया गया। अच्छा नहीं सर मैंने एल मान के सॉल्व किया। वेरी गुड। अब इसमें चार चार्जेस हैं, एक दो तीन, क्या योगेश सर ने करा रखा है क्या पहले? अच्छा ये सर ने भी करा रखा। चलो बताओ आंसर तो बताओ, हुआ किसी का? हेलो, सर अलग अलग तो बना लिया सर ऐड कर रहा हूँ। ये वाला हो गया। अदिति, ये वाला हो गया। तो बाकी बच्चों के नाम भी लिखे सलाम सर क्या आ रहा है इसका? इसका, इस वाले का, स्क्वायर वाले का, के यस सर के स्क्वायर बाय ए, 4+। ये आंसर आ रहा है आप लोगों का? सही आ रहा है सही आ रहा है। वो बस कॉमन नहीं लिया था बाकी सही आ रहा है। कुछ नहीं करना, इसका इसके साथ पेयर बनाओ, इसका इसके साथ, आ गया सर। के क्यू स्क्वायर बाई ए,
प्लस के क्यू स्क्वायर बनेगा, प्लस के क्यू स्क्वायर, ये डायगनल कितना होता है, रूट टू बन जाएगा। रूट, अब इस चार्ज को भूल जाए, ठीक है, अब इसको पकड़ो, के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस इसका स्क्वायर कर दो, ए क्यू स्क्वायर बाय रूट। अब इसको भूल जाओ, अब इस चार्ज का पेयर, इसका इसके साथ पेयर बनाओ, ए क्यू स्क्वायर बाय ए। अब और तो कोई चार्ज है नहीं, उसको भूल जाओ, अभी अकेला तो किससे इंटरेक्ट करेगा, एक दो तीन चार पाँच छह, जिनमें से एक दो तीन चार, ये तो एक जैसी है, तो फोर के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस टू टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय, तो पता नहीं इस रूट को कोई ना भी कर दो, के क्यू स्क्वायर बाय ए ढूंढ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है ए ए ए। हाँ जी प्रवीण बोलो, सर आंसर बता रहा था, क्या? आंसर बता रहा सर। अच्छा इसका, हाँ अभी रुक जाओ, बाकी को जब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी सिस्टम की? आपको याद हो मैंने बोला था अगर साइड ए है तो सेंट्रोइड से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस कितना बताया था? सर a/√3 ए कितना बनाया था? ए बाय बी इसका आता होता है, तो बस आंसर निकाल लो यार, इसके साथ पेयर बनाओ, फिर इसका इसके साथ बनाओ, इसका इसके साथ बनाओ। मुझे अदिति से आंसर चाहिए, और कौन कौन है? शिखा और अर्षिका, कनिष्का, कनिष्का आकांक्षा के कहना है इसको, आराम से कर लो। जिस जिसका हो गया एंड्रेस कर दो एक बार, आंसर बता दो। सर ये a/√3 ये कौन सा डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस सर? आ गया क्या आंसर आया बताओ जरा। k³ / a ब्रैकेट में 2√3 + 1 टू प्लस 2√3 + 1 यही आंसर आ रहा है क्या सबका? यस सर। सर ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है एंड इट इज आल्सो आइसोसेलेस। अच्छा एक बार बताओ, आइसोसेलेस में तो कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है ना, क्या इसको इसको इक्वल कर सकता हूँ क्या? अगर हाँ या ना बता दो, स्कोर इसको इक्वल कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, वेरी गुड, क्योंकि यार हाइपोटेन्यूज तो सबसे लार्जेस्ट साइड होगी ना, इसमें तो डिस्टिंक्शन होगा, इसमें तो एक डिस्टिंक्शन है ना, ये तो सबसे लार्जेस्ट साइड है, तो कुछ ना कुछ डिस्टिंक्शन है इसमें, मतलब ये किसी के बराबर नहीं होगी फोर श्योर, ये और ये बराबर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपके पास तीन चार्जेस गिवन है, एक क्या है कि क्यू है, एक आपका प्लस क्यू और एक आपका यहाँ प्लस, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट
एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो। इन तीन चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर है, तो हमें क्यू कैसा लेना पड़ेगा? तो सिंपली कुछ मत करो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, उसको जीरो के इक्वेट करो, साइड्स को ए मान, ए है तो ये रूट टू, करके सॉल्व करके बताओ इतने। अगर आप कर रहे हो तो एक बार समझ कर दो। हाँ जी बोलो, रूबी के क्या कहते हैं, रिक क्या डाउट है आपका? सर वो ऐसे ही हैंड रेज हो गया था। आंसर निकालो फटाफट से। आंसर आया किसी का भी? कितना यस सर, आया बताओ? अच्छा सर माइनस क्यू ब्रैकेट में अंडर रूट 2 + 1 / में अंडर रूट 2। माइनस क्यूब ब्रैकेट में अंडर रूट टू, प्लस वन ऊपर प्लस वन आएगा। यस सर। नहीं आंसर तो ये लिखा होगा। सर आपने क्यू की वैल्यू निकालने बोली थी, बिग क्यू की। हाँ बिग क्यू की बोलिए। सर आ गया, यही आ रहा कौन से है, वाला? मैंने रेसिप्रोकल यही नहीं आ करा रहा था। हाँ सर, ये जो लिखा आपने सर, -2 - √2 Q/ में √2 + 1, यही आ रहा। यही आ रहा है ना? यही आ रहा है सर। ठीक है, देखो सिंपली मैंने क्या करा, टोटल एनर्जी निकाल ली, जिसमें से मैं के कॉमन निकाल के इनको बाहर फेंक रहा हूँ, और यहाँ से ए ए ए कॉमन निकाल के बाहर फेंकना, और फर्दर एक क्यू यहाँ से बाहर फेंक जाएगा, एक क्यू यहाँ से बाहर फेंका जाएगा, एक क्यू यहाँ से बाहर। बच्चे का क्या क्या क्यू प्लस, क्योंकि यहाँ से ये और ये गया, क्यू बचेगा, क्यू वाई क्यू बचेगा, और यहाँ क्यू बचेगा। अब इसको कॉमन निकाल के उसको उधर ले जाओ, सोल्व करके आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। समझ आ गया तो आगे बढ़े। क्वेश्चन इज तो एक बार फिर समझा दो वाला। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो। अब जीरो कैसे आएगा? मैंने इस चार्ज को वन बोल दिया, इस चार्ज को टू बोल दिया, और इसको थ्री बोल दिया। सबसे मैंने मैंने वन और टू का पेयर ले लिया, मेरा वन का टू का पेयर, ए क्यू आई, फिर मैंने वन और थ्री का पेयर ले लिया, के क्यू क्यू बाई रूट। अब वन को खत्म कर दो, अब टू को पकड़ लो, टू और थ्री का पेयर ले लो, के क्यू स्क्वायर बाय ए। अब टू को खत्म कर दो, तो थ्री तो अकेला किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, किसी से बोल दो जीरो। अब यहाँ से के कॉमन आ जाएगा, क्यू 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 कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्यू प्लस क्यू बाय रूट टू प्लस स्मॉल क्यू। यहाँ से एक स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कॉमन निकाल लो, रूट टू इधर आ जाएगा, रूट टू प्लस वन प्लस को माइनस कर दो, तो आपको कैपिटल क्या मिल जाएगा, माइनस के तो समझ आया समझ लिया? नहीं डाउट कहाँ पे आ रहा है समझ लिया, बताओगे? सर वही लास्ट में जो क्यू की वैल्यू आई थी, बस वही था। अब समझ आ गया? सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टू पॉइंट चार्जेस आर लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस, मतलब आपके पास दो पॉइंट चार्जेस है, टू पॉइंट चार्जेस जो कि लोकेटेड है एक्स एक्सिस,
लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस। और क्या क्या वैल्यू गिवन है, क्यू वन इज माइनस के वन माइक्रो कूलम एट एक्सिस जीरो, क्यू टू इज इक्वल टू प्लस वन माइक्रो कूलम एट एक्सिस कैलकुलेटेड। फाइंड द वर्क दैट मस्ट बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग इट थर्ड चार्ज। ठीक है, वो बोल रहा है कि ऐसे दो चार्जेस रखे। अब आपने क्या करा, एक एक्स्ट्रा चार्ज लाया आप इंफिनिटी से, इंफिनिटी से एक एक्स्ट्रा चार्ज लाए और एक्स्ट्रा चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू थ्री इज इक्वल टू वन माइक्रो। अब आप इंफिनिटी से एक एक्स्ट्रा चार्ज लाए सच दैट काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है और आपने इस चार्ज को ला के रख दिया एक्स इज इक्वल टू। इसको थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म में समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज ऐसे, आपकी नंबर लाइन थी x is equal to 0 पे, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है x is equal to 0 पे चार्ज, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी है माइनस वन। फिर x is equal to 1 पे चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है प्लस वन माइक्रो। अब इस सिस्टम की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। अब मैंने क्या करा, नेक्स्ट ये चार्जेस फिक्स्ड मैंने क्या करा, इंफिनिटी से लाके एक चार्ज x is equal to 2 पे यहाँ पे रख दिया x is equal to 2 पे 1 माइक्रो कूलम चार्ज प्लस 1 माइक्रो। क्वेश्चन इज कितना वर्क डन करना पड़ा। अब आपको याद हो मैंने वर्क डन क्या बताया था, वर्क डन, अब देखो ये चार्जेस तो हमारे फिक्स हैं, मैं इस चार्ज को लेके आ रहा हूँ इंफिनिटी से यहाँ पे। Work done from some initial position to final position by HM is equal to delta I, यानी कि change in potential energy ये final minus potential, और ये valid कब है, जब change in kinetic energy। तो क्या same formula मैं यहाँ पे utilize कर सकता हूँ, simply आपको क्या करना है, पहले ये दो charges रखे थे इनकी कुछ potential energy निकाल लो, तो initial दो charges थे, फिर यू फाइनल निकाल लो तीन चार्जेस की, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट शीट में चलते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 पे माइनस वन माइनस x is equal to 1 पे प्लस 1 माइक्रो। पहले ये सिस्टम था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, k टाइम्स q1 इज 1 माइक्रो कूलम माइनस का q2 इज 1 माइक्रो कूलम प्लस का डिवाइड बाय डिस्टेंस इज r। फाइनल एनर्जी क्या, फाइनल एनर्जी बन जाएगी जब यहाँ पे x is equal to 1 पे एक और चार्ज रखता हूँ प्लस 1। अब ध्यान से देखो ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, एक्सिस्ट करेगी, मतलब इसकी इसके साथ एनर्जी रहेगी, तो इसकी इसके साथ रहेगी के 1 माइक्रो कूलम 1 माइक्रो कूलम डिवाइड बाय 2, ये 1 मीटर है ये 1 मीटर है प्लस के टाइम्स k by 2 into 10 की पावर माइनस 12। ठीक है माइनस 12, ठीक है ठीक है करेक्ट। बाकी किसी का आंसर आया,
अगर क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स अप कर दो, कैलकुलेशन नहीं हुई। सर आंसर के बाय टू आ रहा है। क्या आ रहा है? के बाय टू। ये भी तो है, माइक्रो कूलम भी तो है। माइक्रो कितना होता है? एटलीस्ट फोर माइनस सिक्स होता है ना सर, मैंने इसको चेंज ही नहीं किया। तो कैसे लिखो ना, के बाय टू इंटू माइक्रो इंटू माइक्रो जूल ऐसा बोलो, तो वैल्यूज तो यूज करोगे ना, या तो सिंबल पुट करो या वैल्यूज पुट करो, एक काम तो करना पड़ेगा। ओके सर, आगे चले। नेक्स्ट इज ए सर्कल ऑफ रेडियस इज ड्रॉन विद ए चार्ज क्यू एट द सेंटर। एक सर्कल है इसका रेडियस है कुछ भी आर, और इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज। नाउ ए चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। अब आपने एक पॉइंट बी ये ले लिया सर्कल पे, एक पॉइंट सी ये ले। अब यहां से आपने इस क्यू नॉट चार्ज को उठा के, यहां से उठा के यहाँ, पहले क्यू नॉट यहाँ पे रखा हुआ था, अब आपने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, सच दैट काइनेटिक एनर्जी डजंट चेंज। फाइंड द वर्क डन। फाइंड वर्क डन जीरो हो जाएगा बाय एजेंट, वर्क डन बाय एजेंट। वर्क डन बाय एजेंट क्या होता है? कुछ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। वर्क डन बाय एजेंट इज डेल्टा यू। डेल्टा यू इज बेसिकली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो जब ये चार्ज यहाँ पे रखा था, ये बीच का डिस्टेंस था, तब इनकी कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब ये चार्ज यहाँ पे आ गया तब कुछ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको बताना है कितना डिफरेंस आ गया, बताओ यार फटाफट से। प्रवीण आपका तो आ गया, तो बाकी सुजल यस सर, क्या आंसर आएगा? दो अतिथि विवेक सर जीरो आ रहा है, तो सही आ रहा है, डर क्यों रहे हो? ठीक है पटना का डॉक्टर है। अब मुझे पता क्या लग रहा है कि हम मैं आगे दौड़ रहा हूँ सिलेबस में, पीछे छोड़ रहा हूँ आपको। पीछे छोड़ रहा हूँ का मतलब क्या है कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे, आप लोग मुझे एक बार अपने नोट्स दिखा सकते हो कैमरा ऊपर कि आप नोट्स बना भी रहे हो नहीं? विवेक आप दिखाओ एक बार नोट्स, कैमरा ओपन करके नोट्स दिखा दो। सबसे देखूंगा ऐसी बात, विवेक मैं वेट कर रहा हूँ, टाइम बीतता जा रहा है, टाइम वेस्ट। आज के नोट्स ही दिखा दो। विवेक आवाज आ रही है क्या? प्रवीण आप दिखाओ एक बार, मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दे दो ना, ऐसे क्यों बैठे तो हो रहा है क्या? हो रहा है सर शो? अच्छा मैं शो हो रहा है, फिल्टर आ रहा हूँ सर, रुक जाओ। फिल्टर कहाँ गया? बाकी भी अपने नोट्स रेडी रखो, एक मिनट फिल्टर हटा। और मुझे बताओ डीपीपी कहाँ तक कर लिया? डीपीपी कहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? या सिर्फ क्लास उठा, क्लास लेने आ जाते हो उठा के सिर्फ? ऐसे ही पढ़ता जाऊंगा आगे तो कुछ फायदा नहीं, रिजल्ट आना नहीं।
कैमरा ऑन करने के लिए बोल देता है, पता नहीं साफ सुन जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, बस नोट्स ही देखने आपके, ये तो लक्षण नहीं होते अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के। हेलो सर, हाँ लिख तो रहा है पर क्लियर नहीं दिख रहा सर क्वालिटी खराब है थोड़ी कैमरा की इसकी। सर है। और डीपीपी कहाँ तक कर ली? डीपीपी जो आपने लास्ट वीडियो कर ली है। सर अच्छा सुजल आपका क्या अपडेट है डीपीपी का? मैं थोड़ी बहुत करी थी। थोड़ी बहुत मतलब एग्जैक्ट बताओ मुझे नंबर्स, डीपीपी 1 2 3 कितने क्वेश्चन एग्जैक्टनेस बताओ मुझे भी, ओके सर, देख के बता दो कौन सी थी लास्ट। बाकियों का भी मुझे टाइम नहीं है इतना, फटाफट से देख के बताओ कितना कर लिया। अदिति आपने कितना कर लिया? सर चैप्टर 1 के आपने जितने भेजे हैं ना उतने कर लिए हैं? सारी डीपीपीस कर ली? यस सर। ख्वाहिश आपका क्या अपडेट, दिखाओ मुझे कहाँ करी है, नोट्स दिखाओ अपने। वो कैमरा फिल्टर लग रखा है तो लीव करना पड़ेगा क्लास। जल्दी से लीव करके आओ, टाइम है हमारे पास। ख्वाहिश आप बताओ। सर फोन नहीं है मेरे पास क्योंकि लैपटॉप के कैमरे से कैसे दिखेगा? कितना करा है ये तो बताओ। सर जो लास्ट क्लास थी ना वहां तक तो सारा कर लिया मैंने। क्या तो नोट्स दे भेजो मुझे अभी, सर? कब दिखाओगे मुझे नोट्स? सर कल दिखा दूंगी जब मेरे पास फोन आ जाएगा, अभी फोन है नहीं। कब आएगा? सर शाम तक आ जाएगा, वो पापा लेके गए। और डीपीपी का क्या अपडेट है? सर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक हो चुकी है डीपीपी, बस वो वाली रहती है, गॉस लॉ रहता है। घोसलो की तो भेजी नहीं मैंने अभी आप लोगों को, भेजी थोड़ा सर मैंने नहीं, घोस वही तो बस वही वाली रहती है जो आपने भेजी नहीं है अभी तक। तो डाइपोल वाली हाँ वो हो चुकी है ऑलमोस्ट, 2 3 क्वेश्चन रहते हैं उसके कौन भी। कौन से रहते हैं एग्जैक्ट बताओ मुझे। हाँ सर मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है, बस गॉस लॉ ही रहता है। अर्शिका आप बताओ। सर डीपीवीज मेरी अभी लास्ट की 2 3 रहती हैं, और और वो क्यों नहीं सर कर रहे मैंने आप, और वो किस वजह से नहीं हो रही? मतलब मैं आप लोगों को डांट रहा हूँ, मुझे अपडेट चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि सिलेबस आगे बढ़ रहा है लेकिन आप लोग पीछे छूट रहे हो, साफ दिख रहे थे, कभी क्लास में आ रहे हो कभी नहीं आ रहे हो, ऐसे लग रहा है सिलेबस पीछे छूटता जा रहा है, आप सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है आप लोग पीछे छूटते जा रहे हो। विवेक आपका क्या अपडेट है? सर मेरी बस 2 3 डीपीपी रहती है सर। भेजी मैंने दो तीन है। आज आज मैं आपको करके भेज दूंगा सर, ये फोन नहीं है, आज शाम आपको करके भेज दूंगा सर, एक एक मुझे सवाल। अच्छा मुझे एक डेडलाइन बताओ, कब आप मुझे ये बताओगे कि आज तक की आज मैं 2 डीपीपी भेजूंगा कि आज तक की जितनी डीपीपी मैंने भेजी है वो कंप्लीटेड है और नोट्स कंप्लीटेड है? मुझे एक डेडलाइन बता दो ताकि मुझे बार बार ना अपना टाइम खराब करना पड़े, ना अपना दिमाग खराब करना पड़े, ना आप लोगों का टाइम खराब। आप लोगों का दिमाग सर खराब हो या ना हो मुझे पता नहीं, होता नहीं होता, पर मेरा जरूर होता है। सर कॉपी इधर उधर रखी सर, नोट्स का तो मैं कर लूंगा सर, लेकिन सर नोट्स हो जाएंगे सर डेडलाइन दोनों कंबाइंडली डेडलाइन बताओ मुझे, पूरी क्लास एक डेडलाइन। की। हाँ दोनों की डेडलाइन बता दो मुझे, आज 20 तारीख हो गई है। सर परसों तक अच्छा दीदी नोट्स दिखा रही है, ये आज की दीदी? और डीपीपीस? डीपीपीस? अच्छा एक फाइनल कॉल करते हैं, चलो आप लोगों को आज तो मैंने सरप्राइज दे दी, फाइनल कॉल बताओ कि आज 2 डीपीपीस भेजूंगा वो डीपीपीस प्लस नोट्स कब तक कंप्लीट हो जाएंगे ईमानदारी से? दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं दीदी, बस ईमानदारी से मुझे इतना बता दो, एक बच्चे का जवाब आया परसों तक, तो अगर सब इस पे एग्री हैं तो थम्स अप कर दो, किसी को और टाइम चाहिए तो वो बताओ। ठीक है अगर मैं आप लोगों को आज 2 डीपीपी दूं तो आप मुझे ये आज तक की सारी डीपीपीज और आज तक के नोट्स परसों तक आप कंप्लीट कर, ठीक है ये पक्की बात है?
अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप बोल दो, अगर और टाइम चाहिए तो वो बता दो। देखो मैं लीनियंटली पूछ रहा हूँ, लेकिन जो आप डेडलाइन दोगे वो मुझे उस टाइम पे काम चाहिए। क्लियर है, सबको एग्री है इस चीज से? एक बार थम्स अप दे दो, 2-3 बच्चों का ही आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। थर्सडे सूजल बोल रहे, थर्सडे चलो, बाकी सबका परसों तक है, सूजल का थर्सडे। सूजल मतलब जो आप वर्ड्स बोल रहे हो ना वो वर्ड्स पे रहना, फिर बदलना नहीं है। थर्सडे को आपको कौन से नोट्स देने हैं? आपको थर्सडे को ट्यूसडे तक के नोट्स देने हैं, एक दिन का गैप दे रहा हूँ बस। थर्सडे को आपको ट्यूसडे तक के नोट्स और गोस लो की सारी डिक्रीज, और मुझे ये बताओ, सॉरी गोस लो बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की डिक्रीज, और मुझे एक बात बात बताओ, एक टेस्ट लेना चाहता हूँ मैं आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का फर्स्ट चैप्टर का, वो टेस्ट कब? फ्राइडे सर, फ्राइडे, सैटरडे को हो गए थर्सडे तो फ्राइडे सर को, फ्राइडे सैटरडे ले लो। चलो सैटरडे ले लेते हैं, ठीक है? ठीक इसी चक्कर में आप क्लास में तो आओगे। और टेस्ट कैसे दोगे? लाइव दोगे, कैमरा ऑन करके कैसे दोगे? हाँ सर, कैमरा ऑन करके कर लेंगे। और आपकी ईमानदारी होगी, देखो आप घर पे बैठ के कैसे भी दे सकते हो, है ना, साइड में फोन रख के भी दे सकते हो, कहीं से भी कॉपी कर सकते हो, पर उसका बेनिफिट नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपको जो नीट की प्रिपरेशन करनी है उसमें तो ऐसा ये चालबाजी चलेगी नहीं। तो मुझे एक डेट बता दो और टाइम बता दो जहां हम टेस्ट रख सकें। चैट में अपने अपने ऑप्शंस बता सकते हैं सारे। अगर सैटरडे सबको कंफर्टेबल है तो एक बार थम्स अप कर दो, या कोई और ऑप्शन चाहिए तो वो भी हम डील कर सकते तो सैटरडे ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रेजेंट कर देना, शर्म कर लेंगे यार हम ईमानदारी से। ऑन हैं। कैमरा ऑफ करोगे? ऑन रख लेंगे सर, ऑन रख लेंगे। प्रवीन बोल रहा है सर कैमरा ऑन रखो, ऑफ रखेंगे, ऐसा क्यों भाई? या फिर ऑफ में ना मजा नहीं आता, ऐसा लगेगा कि ब्लैंक चल रहा है। अच्छा ठीक है सर, ऑफ में ये लगेगा कि पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपनी ईमानदारी से ये तो है नहीं कि अब आपको टेस्ट देने नहीं है, टेस्ट तो देने ही है। अब पूरा जो हमारा 1.5 महीने का टाइम चलेगा, 1.5 महीना भी काम, 1 महीना 10 दिन जाएगा, तो इसमें हम थोड़ा सिलेबस खींच लेते हैं। अगर सिलेबस खिंच जाएगा स्कूल में इजी हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, क्वेश्चन बैंक हम ज्यादा सोल्व कर पाएंगे। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ये है कि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो जो तो बेनिफिट है हमारे लिए, सबके लिए, सबका रिविजन हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही फिजिक्स आती है। तो फाइनल करते हैं, परसों नोट्स वेंसडे, एक सुजल बोल रहे कि थर्सडे वैलिड है, चलो कोई बात नहीं, सैटरडे हम टेस्ट रखते हैं। और आज की क्लास में 10 मिनट वेस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि ऐसे लगता है कि आगे चल रहे सिलेबस तुम लोग पीछे छूट, तो थोड़ी सी सिंसियरिटी और बढ़ती है इन चीजों से, 5-10 मिनट की कॉन्वर्सेशन से। बीच में एक एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ये भी बता दो, मर्जी आपको, मैं तो रेडी हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस या सिलेबस को पीछे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्लास भी हम बीच में रख लेंगे ताकि सिलेबस थोड़ा खिंच जाए, ताकि जब हम वैकेशंस के बाद आए तो हम एक अच्छे पेज पे हों, अच्छी पोजीशन पे हों, क्योंकि स्कूल में आपको पता ही है छोटी छोटी चीज, कभी आपकी फोटोग्राफ हो रही है, कभी कोई सेमिनार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो टाइम इधर उधर हो जाता है। ऑल्दो उस टाइम तो मजा आता है कि क्लास नहीं हो रही, उस टाइम एक टेम्परेरीली खुशी होती है, पर वो टेम्परेरीली होती है, वो उसका जो रिजल्ट है वो पेनफुल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस लैग कर रहा है। जल्दी सिलेबस हो जाएगा तो फिर और मजे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्लास में पूरी इतनी रहेगी। तो 3 चीजें फाइनल करती हैं, एक एक्स्ट्रा क्लास, एक टेस्ट और एक नोट्स। आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, और नोट्स मैंने ज्यादा नहीं कराया आज, आज न्यूमेरिकल्स कराए हैं, जितना आज तक कराया आपके पास टाइम है, आराम से आजकल में कंप्लीट करो और परसों मुझे दिखाओ। आज के लिए इतना ही करेंगे, कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो कल मिलते हैं फिर क्लास में। ठीक है जी, बाय बाय। शिखा 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 शिखा।